नमस्कार दर्शकों, मैं राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आज के प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। बागा रतन पार्क में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। विभिन्न स्थानों पर हिमपात होने से पर्यटकों के खिले चेहरे। विधायक सौरव चक्रवर्ती के काफिले की गाड़ी से लगी धक्के के कारण पलटी एक ऑटो रिक्शा। रेल म्यूजियम में हेरिटेज डे के उपलक्ष्य में 3 दिनों तक प्रवेश रहेगा निःशुल्क। एनआईए ने जाली नोट तस्करी के सरगना को मालदा जिले से दबोचा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलवामा में शहीद 2 वीरों के परिजनों को 5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का किया ऐलान। चलिए बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से गुरुवार को बागा रतन पार्क में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर बागा जतिन पार्क स्थित शहीद वेदी पर सिलीगुड़ी के मेयर तथा विधायक अशोक भट्टाचार्य और नगर निगम के पार्षदों ने पुष्प अर्पण कर भाषा दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर नृत्य और संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही सिलीगुड़ी के संगीत और नृत्य क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले वरिष्ठ लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मेयर श्री भट्टाचार्य ने कहा कि मातृभाषा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा चल रही है, इसलिए विद्यार्थियों की संख्या कम है। उन्होंने कहा कि बंगला भाषा को बचाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। भाषा के जरा सम्पूर्ण विकसित करते भाषार विकास सांस्कृतिक विकास लड़ाई कर संग्राम कर तरह प्रत्येक के शुभेच्छा अभिनंदन जाना। তো আমার এই গানটা শুনতে শুনতে কথা হচ্ছিল, এই গানের পাশাপাশি একটা সেই কবিতার কথাটা আমার বারবার করে মনে পড়ছে যে আমার ছেলেটা একেবারে বাংলাটা একেবারেই আসে না, এই সংখ্যাটাও কিন্তু খুব বাড়ছে এখন। তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে বাংলা ভাষার চর্চাটা আজকের দিনে শুধু শহীদদের স্মরণ করা তো নয়, এই বাংলা ভাষার চর্চার বিষয়টাকে আমাদের দিকে আরও বেশি নজর দেওয়া উচিত, গুরুত্ব দেওয়া উচিত, বিশেষ করে তরুণ সমাজে, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখছি যে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে, বাড়ছে কিন্তু আইসিএসই এবং সিবিএসই। কী কারণ আমি জানি না, সে যাই হোক না কেন, সে বিশ্বায়নের ফল কিনা সেটা আমি জানি না, কিন্তু এটা হচ্ছে। তো যাই হোক, আজকের দিনে আমাদের একটাই শপথ, যে যে ভাষায় কথা বলুন না কেন সেই ভাষাকে আরো আমাদের বিকশিত করতে হবে। রায়গঞ্জ কে সিলিগুড়ি মোড় পর ট্রাক কে কুচলনে সে এক ব্যক্তি কি হুই মৌত। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज के सिलीगुड़ी मोड़ पर बुधवार देर शाम टैंकर से कुचलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखा गया। रायगंज थाने की पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी मोड़ में ट्रैफिक प्वाइंट के सामने तेज रफ्तार वाले एक ट्रक ने व्यक्ति को जोरदार धक्का मारा। इस दौरान वह व्यक्ति ट्रक के पिछले चक्के के चपेट में आ गया, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। घटना के बाद कुछ देर तक सड़क पर यातायात बाधित रहा। रायगंज थाना के आईसी समेत विशाल पुलिस वाहिनी घटना स्थल पर पहुँच कर स्थिति को नियंत्रित किए। सिलीगुड़ी मोड़े खबर पे आसलम देखल एक्सिडेंट हो एक लोक फुटपाथ दिए ना हेटे रास्ता दिए हाँ हटात कर से गाड़ी नीचे पड़े जाए, पुलिस तार लाश तुले नहीं गेछे। आमरा एखाने एसेछि देखार जोन्नो जे एक्सिडेंटटा कि करे हलो जानार जोन्नो। अवरोध होयेछिल एखाने? না না, কোনো অবরোধ হয়নি, পুলিশ ট্রাফিক ক্লিয়ার করে দিয়েছে, পুলিশ এখানে সারাক্ষণ ছিল। কিন্তু লোকটা কী করে যে অ্যাক্সিডেন্ট হলো সেটা আমরাও জানি না। গাড়ি কি জোরে ছিল না স্লো ছিল? গাড়ি তো সিগন্যাল থেকে সারছিল, গাড়ি স্লোই ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে লোকটা কী করে গাড়ির নিচে পড়ে গেল সেটা আমাদের জানা নেই। बर्फीले तूफान की चपेट में आने से सेना के एक जवान की मौत। 5 ITBP जवान अभी भी हैं लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन है जारी।
हिमाचल में आईटीबीपी के जवानों को ग्लेशियर गिरने की वजह से बर्फ के नीचे दबे हुए सैनिकों को बचाने के लिए राहत बचाव कार्य गुरुवार सुबह 7 बजे फिर शुरू हुआ। राहत बचाव कार्य में और दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि इस क्षेत्र में करीब 4 इंच बर्फबारी और हो चुकी है। अब भी क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है और इसी बर्फबारी के बीच राहत बचाव कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के निकट पूह ब्लॉक के तहत डोकड़ी क्षेत्र में बुधवार सुबह ग्लेशियर गिर गया था, जिसकी चपेट में सेना के 7 जैक राइफल के 6 जवान आ गए थे। इनमें से 1 जवान की मौत हो गई है, 5 जवान अब भी लापता है। ग्लेशियर में दबे 3 जवान हिमाचल के और 1 जवान उत्तराखंड एवं जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। पड़ोसी देश ढाका के एक केमिकल गोदाम में भीषण आग से 69 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बुधवार देर रात एक इमारत में भीषण आग लगी है, जिससे 69 लोगों की मौत हो गई है। जिस इमारत में आग लगी है वो केमिकल कारखाने का गोदाम है। यही कारण है कि आग बुझाने में मशक्कत करना पड़ रहा है। देर रात से ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश अग्निशमन विभाग के प्रमुख अली अहमद ने बताया कि इस हादसे में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है। अभी भी लोगों की तलाश की जा रही है। इलाके की सड़कें संकीर्ण होने के कारण बचाव कार्य और राहत कार्य में भी भारी दिक्कत आ रही है। एक अन्य दमकल अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि आग बुधवार रात को 10:40 पर लगी। उन्होंने बताया कि ढाका के चौक बाजार इलाके में लगी ये आग संभवतः गैस सिलेंडर के फटने से शुरू हुई होगी। इसके बाद यह तुरंत पास के इमारत में रखी एक केमिकल तक पहुँच गयी। केमिकल्स में आग लगते ही इसने भयावह रूप धारण कर लिया। इसके बाद आग आसपास की 4 इमारतों में फैल गई। दार्जिलिंग जिले के रिम्बिक लोदामा सहित विभिन्न स्थानों पर हिमपात होने से पर्यटकों के खिले चेहरे। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ के ऊपरी हिस्से में लगातार हिमपात हो रही है और इसी कड़ी में दार्जिलिंग के रिम्बिक लोदमा एवं अन्य उच्च स्थान पर बुधवार को हिमपात हुई। बर्फबारी से इन इलाके में ठंड काफी बढ़ गई है और स्थानीय लोगों को दैनिक जीवन के कार्यों में असुविधा हो रही है, लेकिन दूर दराज से आए देशी विदेशी पर्यटक बर्फबारी होने से काफी खुश है और वो जमकर इस माहौल का आनंद ले रहे हैं। अलीपुरद्वार के विधायक सौरव चक्रवर्ती के काफिले की गाड़ी से लगी धक्के के कारण एक ऑटो रिक्शा पलटी, 2 विद्यार्थी सहित कई लोग हुए घायल। बुधवार शाम को विधायक सौरभ चक्रवर्ती अलीपुरद्वार ब्लॉक नंबर 2 के यथोडांगा जा रहे थे। साथ में उनके काफिले की अन्य गाड़ियां भी थी, लेकिन 31 नंबर राष्ट्रीय दुर्गा बाड़ी में उनकी काफिले की गाड़ी से एक सिटी ऑटो की टक्कर हो गई, जिससे वह सिटी ऑटो पलट गई और ऑटो में बैठे सभी लोग घायल हो गए। सिटी ऑटो में परीक्षा देकर लौट रहे 2 विद्यार्थी भी शामिल थे। दुर्घटना की खबर मिलते ही विधायक ने घायल विद्यार्थियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अलीपुरद्वार जिला अस्पताल ले गए और उनको भर्ती कराया। साथ ही उन्होंने सभी घायलों की चिकित्सा के लिए व्यवस्था भी कराई। उन्होंने कहा कि सभी घायलों और विद्यार्थियों को सहायता और चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। টেম্পো গাড়িটা ফলস ঢুকাইছি ওখানে লেগে গেছে, আমরা পাল্টে গেলি। আপনারা কোথা থেকে আসছিলেন? আমরা শিলিগুড়ি থেকে। শিলিগুড়ি থেকে কোথায় যাচ্ছিলেন? মিটিং ছিল দাদা, বিধায়কের পাইলট কার্ড ছিল? হ্যাঁ আমরা ছিল। বিধায়কের পাইলট কার্ড ছিল তো? হ্যাঁ। কী করে হলো, কী করে অ্যাক্সিডেন্টটা? হঠাৎ হয়ে গেলে কী করে বলবো, মানে অটো ঢুকে গেল? হ্যাঁ অটো ঢুকাই রং সাইড। মানে যেটা ছিলাম আপনারা আপনাদের গাড়ি খুব বাঁচানোর চেষ্টা করেছে শুনলাম। আপনার কোথায় কোথায় লেগেছে? সামনে আর একটা গাড়ি ছিল, পুলিশের গাড়ি, সেই গাড়িটা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। ওই গাড়িটাই সেভ করেছে। সামনে একটা অটো ছিল, ওই অটোটাকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়িটা উল্টে যায় এবং প্যাসেঞ্জার অটোতে যারা যারা ছিল তারা ইঞ্জিওর হয়েছে। আর আমাদের গাড়িতে পুলিশরাও যারা ছিল তারাও বেশ কয়েকজন ইঞ্জিওর হয়েছে। এবং দুর্ঘটনাগ্রস্তদেরকে আমি হসপিটালে পাঠিয়ে এখন আমরা তাদেরকে ওখানে রেস্কিউ করে হসপিটালে পাঠিয়ে দিয়ে এসেছি। কোন জায়গাটায় এটা হয়েছে? আলিপুরদুয়ার মাঝের ডাবিতে। এবং এই হসপিটালে নিয়ে এসেছি ওদেরকে। আর ওখানে যারা স্থানীয় লোকরা ছিল তারাও খুব আমাদের সহযোগিতা করেছে। একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা এবং প্রাণহানির একটা পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু চালকের ইয়েতে অনেকটা সেভ হয়েছে। এখন মানে যে
ওখানে স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় আমরা যারা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে নিয়ে হসপিটালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। फिलहाल समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। सनशाइन हाई स्कूल एन इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल स्कूल अफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड, एडमिशन फॉर सेशन 2019 प्री नर्सरी टू क्लास 9, क्वालिटी एजुकेशनल, सेपरेट हॉस्टल्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, गेम्स इनडोर एंड आउटडोर, कोकरिकुलर एक्टिविटीज, pollution free. For admission and prospectus contact Sunshine High School, mobile 7797965318, 9734015500003. papa ekki ho nanu nanu mere jutta feri fatya ye के भयो रे अस्ति मात्रै किनेको जुत्ता मेरो फटाइ कति किन्दिनुस् ल त्यो जुत्ता पनि फटै त हाल्छ मैले तिमीलाई अस्ति भनेको नि डाक्टर फुटको स्कुल जुत्ता किन्देऊ भनेर तर तिमी मानेनौ हजुर डाक्टर फुट सुविधायुक्त टिकाउ अनि नचिप्लिने पनि ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एसके लाइभ में बढ़ते हैं खबरों की तरफ कूचबिहार के रेलवे स्टेशन संलग्न स्थित रेल म्यूजियम में हेरिटेज डे के उपलक्ष में 3 दिनों तक प्रवेश रहेगा निःशुल्क। ज्ञात हो कि गत वर्ष ही इस रेल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया था, जिसमें भारतवर्ष में रेल किस तरह से आई थी एवं रेल के विभिन्न इतिहास, पुराने समय के रेल सामग्री एवं यंत्रों को रखा गया है। इन्हीं सब चीजों को करीब से देखने जानने हेतु हेरिटेज डे के अवसर पर निःशुल्क रूप से म्यूजियम में प्रवेश करने का निर्णय लिया गया है। रेल विभाग के इस पहल से पर्यटकों, स्थानीय लोगों व छात्र छात्राओं में खुशी की लहर फैली हुई है। आज के हमरा एखाने कूचबिहार रेल म्यूजियम सबाई उपस्थित हुई सब छात्र छात्री नहीं कूचबिहारे जतगुलो स्कूल आछे मोटामोटी तार मध्य 4-5 स्कूल स्टूडेंटरा एखाने एसे उपस्थित हुई आमरा एखाने सेलिब्रेट करछि जेटा आमादेर फेब्रुआरि मान्थ लंग एकटा हेरिटेज मान्थ चलछे सेटा शुधु एखाने ना अल ओवर इंडिया रेलवे थेके एटा अर्गानाइज करा हुई এবং আমরা যে অনুষ্ঠানটা আজকে এখানে করছি সেটা আমাদের রেলওয়ে বোর্ড ইডি হেরিটেজের ডিরেকশনে। ওনারা এই ডিরেকশনটা দিয়েছে সব যত হেরিটেজ ইনস্টিটিউট আছে ইন্ডিয়াতে, যেগুলো হেরিটেজ স্থাপত্য আছে রেলওয়ে, সেখানে এই অনুষ্ঠানগুলো অনুষ্ঠিত করার জন্য। তার জন্য এখানে রেল থেকে আমাদের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন থেকে আমাদেরকে এখানে পাঠানো হয়েছে, যাতে সেই প্রোগ্রামটা, সেই অনুষ্ঠানগুলো আমরা সুন্দরভাবে অর্গানাইজ করতে পারি। তো এখানে 3 দিনের প্রোগ্রাম আছে, 20-21-22 সব স্কুলের বাচ্চাদের স্টুডেন্টদের নিয়ে কুইজ কম্পিটিশন, 21 আছে ভিজিটার্স ফ্রি অফ কস্ট ভিজিটার্স দের নিয়ে একটা কুইজ হবে, এবং 22 হচ্ছে ভিজিটার্স এবং ওপেন টু অল পেন্টিং কম্পিটিশন রিগার্ডিং ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়ান রেলওয়ে। এই 3টে প্রোগ্রাম এখানে হবে, আর উইক লং মানে 20 থেকে 28 অবধি রেল মিউজিয়ামটা সবার জন্য ফ্রি অফ কস্ট ওপেন থাকবে এক্সিবিশন। কতক্ষণ খোলা থাকছে ম্যাডাম এটা? এটা খোলা থাকবে আমাদের এই কদিন খোলা থাকবে 11টা থেকে 5টা, সবাই এখানে ভিজিট করতে পারবে ফ্রি অফ কস্ট। অ্যাকচুয়ালি আমাদের রেল থেকে যেটা হেরিটেজ মান্থ চলছে ফেব্রুয়ারি মাসটাতে অল ওভার ইন্ডিয়াতে, সেই হিসাবে আমাদের আলিপুরদুয়ার ডিভিশন এই 18-24 পর্যন্ত হেরিটেজ উইক পালন করার জন্য এই কুচবিহার রেল মিউজিয়ামটাকে ফ্রি অফ কস্ট সবার জন্য ওপেন রেখেছে এক্সিবিশনের জন্য। এছাড়া আপনাদের আজকে আমাদের 20-21-22 রেলওয়ে হেরিটেজের উপরে আর্ট কম্পিটিশন এবং কুইজ কম্পিটিশন রয়েছে, এই পুরোটাই হচ্ছে হেরিটেজ মান্থটা পালন করার উদ্যোগ রয়েছে আলিপুরদুয়ার ডিভিশন এটা উদ্যোগ। अलीपुरद्वार के कार्तिका चौपती में एक गाड़ी पलटने से 9 माध्यमिक परीक्षार्थी हुए घायल, सभी को कराया गया अलीपुरद्वार अस्पताल में भर्ती। रायडक चाय बागान के 9 माध्यमिक परीक्षार्थियों की परीक्षा संतालपुर मिशन हाई स्कूल में पड़ा था। रायडक चाय बागान की तरफ से विद्यार्थियों को एक गाड़ी उपलब्ध कराई गयी थी ताकि वो प्रतिदिन परीक्षा दे सके, लेकिन बुधवार को परीक्षार्थी जब परीक्षा देकर वापस लौट रहे थे उसी समय जिले के कार्तिक चौपती में गाड़ी पलट गयी, जिससे सभी 9 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती कराया गया है। मिरिक के चियांगा बस्ती और पासवर्ती इलाकों में स्थित सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की ओर से पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए संयुक्त रूप से निकाली गई रैली।
पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकाली गई इस रैली में काफी संख्या में विद्यार्थियों के अलावा शिक्षकों ने भी भाग लिया। इस रैली के दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। शहीद अमर रहे गगनवेदी नारों से यह रैली गूंजती रही। च्यांगा बस्ती की परिक्रमा करने के बाद शहीद वेदी पर धूप और दीप प्रज्वलित कर पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। 2018 से तलाश कर रही NIA ने जाली नोट तस्करी के सरगना को मालदा जिले से दबोचा। बांग्लादेश सीमा में जाली नोट तस्करी करके पश्चिम बंगाल समेत देश के अन्य हिस्सों में फैलाने वाले गिरोह के सरगना को मुंबई से आई राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम ने राज्य के मालदा जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम ताहिर उर्फ कालिया उर्फ कालू है। बुधवार को उसे जिले के कालियागंज थाना अंतर्गत सुखपुरा गांव से गिरफ्तार किया गया। जाली नोटों की बड़ी मात्रा में खरीद तस्करी और आपूर्ति में उसकी सक्रिय भूमिका रही है। इस मामले में वह लंबे समय से वांछित था। उसे मालदा में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर NIA की टीम 3 दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर गुजरात ले गई है। वर्ष 2018 के मध्य में गुजरात के जूनागढ़ में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। गुजरात सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल से बड़ी मात्रा में नकली भारतीय मुद्रा नोट की खरीद तस्करी और आपूर्ति में भागीदारी के लिए बदमाशों के एक गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। लोकसभा चुनाव से पहले मैटली ब्लॉक के दक्षिण धूपजरा में 100 से ज्यादा माकपा समर्थक और दूसरी पार्टियों के लोग तृणमूल कांग्रेस में हुए शामिल। तृणमूल कांग्रेस की नज़र आगामी लोकसभा चुनाव पर है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि राज्य के सभी 42 लोकसभा सीटों पर जीतना उनका लक्ष्य है। उनके इस सपने को पूरा करने के लिए पूरे राज्य के कार्यकर्ता और नेता जुट गए हैं। इसी कड़ी में मेटली ब्लॉक के धूपचौड़ा इलाके में माकपा और दूसरी पार्टियों से 1 से ज्यादा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के बूथ सभापति प्रफुल्ल राय, पंचायत सदस्य गंगा देव राय, बबलू आलम आदि ने पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों को पार्टी का झंडा देकर उनका स्वागत किया। तृणमूल कांग्रेस में शामिल सभी लोगों ने कहा कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर तृणमूल कांग्रेस में आए हैं। पुलवामा में शहीद दो वीरों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया ऐलान। कहा, राजनीतिक दलों को एक वर्ग फैला रहा है हिंसा और नफरत। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलवामा में शहीद हुए राज्य के दो शहीद जवानों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को नवानों से निकलते हुए कहा कि पुलवामा में आतंकी हमले में जो 40 जवान शहीद हुए हैं, उनमें राज्य के दो जवान शामिल है। राज्य के दो शहीद जवान बाबुल सात्रा और सुदीप विश्वास के परिजनों को सरकार 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। दोनों शहीद जवान के परिवार का कोई सदस्य नौकरी करना चाहेगा तो उसे सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के दो जवानों के शहीद होने से परिवार की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई 5 लाख से नहीं की जा सकती, लेकिन परिवार को राहत देने में सरकार अपनी यह जिम्मेदारी निभा रही है। शहीद जवानों के परिवार को हर संभव मदद के लिए सरकार तैयार है। उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, जिसमें पश्चिम बंगाल के दो जवान शामिल है। दूसरी तरफ सुश्री बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राजनीतिक दलों का एक वर्ग और यहाँ तक कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोग अपने खतरनाक बयानों के जरिए अफवाह और नफरत फैला रहे हैं। साथ ही उन्होंने इससे शर्मनाक राजनीति करार दिया है। बरसात से पहले जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी इंग्लिश बाजार नगर पालिका। करोड़ों खर्च कर सड़कों एवं नालियों का कराया जाएगा जीर्णोद्धार। इंग्लिश बाजार नगरपालिका की ओर से 7 करोड़ रुपए खर्च कर शहर की जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। इंग्लिश बाजार नगरपालिका के चेयरमैन निहार रंजन घोष ने बताया कि बरसात से पहले सड़क की सभी छोटी बड़ी नालियों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके साथ ही काफी संख्या में नई नालियों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा कई कच्ची नालियों को पक्की की जा रही है। नए सिरे से बनाए जा रहे नालियों के निर्माण में आधुनिक चैम्बर पद्धति अपनाई जा रही है। हर नाली में 50 फुट की गहराई में एक चैम्बर बनाया जा रहा है। इससे एक ओर गंदगियों से नाले के बंद होने की संभावना नहीं रहेगी, दूसरी ओर नाले की सफाई के खर्च में कमी आएगी। नगर पालिका के चेयरमैन ने बताया कि शहर के 29 वार्डों में सड़क एवं नालों के जीर्णोद्धार के लिए 29 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक वार्ड के लिए 10 लाख रुपए आवंटित हुए हैं। इसके साथ ही शहर के बड़े ड्रेनों के जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण के लिए इस बीच 4 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इतना ही नहीं, शहर की कुछ कच्ची नालियों को पक्का करने के लिए नगर पालिका
की ओर से 2,73,95,488 रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा बरसात से पहले शहर की निकासी व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाएगी। 73,95,488 टका পুরনো ড্রেনগুলো যেগুলো রয়েছে, যেমন ধরুন 15 নম্বর ওয়ার্ডে সেই সময় একটা ড্রেন করে দিয়েছিল, কিন্তু তার লেভেল নেই, সেই ড্রেনটাকে ভেঙে লেভেল নিয়ে আবার নতুন ভাবে করা হবে। বাদ বাকি ড্রেনগুলো যেমন ধরুন 24 নম্বর 28 নম্বর ওয়ার্ড 3 নম্বর ওয়ার্ড ওই রবীন্দ্র ভবনের ওখান থেকে কাঁচা হয়ে পড়ে রয়েছে, তারপরে ধরুন 1 নম্বর ওয়ার্ড 2 নম্বর ওয়ার্ড কাঁচা হয়ে পড়ে রয়েছে, সেই ড্রেনগুলো এর মধ্যে ধরা রয়েছে, সেগুলো নতুনভাবে নতুন রূপ দিয়ে সেটাকে আমরা আউটলাইনটাকে বের করবো। না আগে যে বললেন যে একটা 4 কোটি 4 কোটি টাকা আমাদের যে এস্টিমেট গুলো করছে, এখন যে এস্টিমেট গুলো করছে এটা বাদ দিয়ে এটার সাথে এটা যোগ হয়ে যাবে। আমরা এর সঙ্গে একটা যেমন করছি ম্যাস্টিকের রাস্তাটা করেছি, যেটা সেটা কিন্তু আমরা টেন্ডার কন্ডিশনে 5 বছর মেনটেনেন্স কিন্তু যেসব এজেন্সি পেয়েছে তাদেরকেই ঠিক করতে হবে। আমরাও কিন্তু সেইভাবে ড্রেনগুলোকেও আমরা সেই আইন দেখে যদি ড্রেনের কোনো ক্ষতি হয়ে যায় সেই ঠিকাদার সংস্থাকেই করতে হবে, এরকম আইন থাকলে আমরা তার সঙ্গে যুক্ত করে তাহলে কি হবে আমার পৌরসভার অনেক টাকা বেঁচে যাবে এবং ঠিকাদাররা যারা কাজ পায় তারা কাজের কোয়ালিটিও মেনটেন করবে এবং তাদের টাকা আটকাইয়ে রাখার একটা যদি আইনে বাধা না থাকে তাহলে আমরা করার চেষ্টা করবো। अब तक के लिए इतना ही। उत्तर बंगाल एवं सिक्किम की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।